नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार श्री एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज है ग्लोबल पेरेंट्स डे। पूरे दुनिया भर के सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, पेरेंट्स बनना कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ बच्चे को जन्म देना ही काफी नहीं है, बच्चे को जन्म देने के बाद ही असली प्रक्रिया शुरू होती है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह पालना जानते हैं, उनका पालन पोषण जानते हैं, वो बच्चे दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन फिर भी 98% पेरेंट्स नहीं जानते कि अच्छी से पेरेंटिंग होती क्या है। क्या वाकई वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं? जो हर पेरेंट्स बोलता है कि हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या वाकई वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं? क्योंकि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें प्यार की भाषा समझ में आती है, लेकिन एक और भाषा है जो बच्चे समझते हैं, वो है गुस्से की भाषा, क्रोध की भाषा। लेकिन अधिकतर पेरेंट्स क्रोध की भाषा का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन वही बच्चे अच्छे निकलते हैं जो प्रेम की भाषा के द्वारा समझाए जाते हैं। इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे और ये वीडियो सारे पेरेंट्स देखें, बहुत जरूरी है। जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, जो पेरेंट्स बन चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात समझ लें कि हर इंसान इस धरती पर जो भी पैदा होता है, वो प्रकृति के द्वारा अद्वितीय है, यूनिक है, हिस्टोरिक है। उसका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, वो अनपैरेलल्ड है। ये पहली बात हर पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया है, वो यूनिक है। पहला सिद्धांत पेरेंटिंग का, अपने बच्चे को बताएं कि वो यूनिक है, अद्वितीय है, हिस्टोरिक है। वो कुछ महान कार्य करने के लिए इस धरती पर पैदा हुआ है। ये बात हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को बतानी चाहिए। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बाय बर्थ होता है, बच्चे के अंदर फियरलेसनेस बाय बर्थ होती है, कॉन्सेंट्रेशन बाय बर्थ होता है, फोकस बाय बर्थ होता है। कितनी ही चीजें वो बाय बर्थ लेकर आता है, जितने भी अच्छे गुण हैं वो बाय बर्थ लेकर आता है, उसके अंदर कोई भी अवगुण नहीं होता है। चाइल्ड इज ए प्योरेस्ट फॉर्म। आज मैं आपको पेरेंटिंग की 10 टिप्स दूंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो वाकई आप अपने बच्चे को एक महान कार्य की ओर अग्रसर कर देंगे। पहली टिप, आपका बच्चा सिर्फ दो तरह की भाषा समझता है। पहली भाषा है प्रेम की और दूसरी है क्रोध की, और आपको दोनों ही भाषा का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बच्चे को तो भी दिक्कत है, और अगर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं बच्चे पर तो भी दिक्कत है। इन दोनों पर आपको संतुलन बिठाना है, तभी आप अपने बच्चे को अच्छे से उसका पालन पोषण कर पाएंगे। प्यार की भाषा जितनी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर होगा। गुस्सा सिर्फ समय अनुकूल ही इस्तेमाल करें। अगर बच्चा आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, तो थोड़ा उसे डराकर आप अपनी बात कह सकते हैं उससे। बच्चे पर किसी भी तरह की कोई भी चीज थोपे नहीं। वो यूनिक है, हिस्टोरिक है, प्रकृति के यहां से अपनी प्रतिभा लेकर आया है। आप अपनी चीजें उस पर ना थोपे कि आप पहले से ही सोच रखें कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, इस फील्ड में जाएगा, उस फील्ड में जाएगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि बच्चा किस फील्ड में जाएगा ये पूरा डिसीजन बच्चे का होना चाहिए, तभी उसकी प्रतिभा 100% वो यूटिलाइज कर पाएगा। नहीं तो वो एक आम इंसान की तरह भटकता रह जाएगा और जिंदगी भर स्ट्रगल करेगा, कभी खुश नहीं रहेगा। अच्छे पेरेंट्स कभी भी अपनी विचारधारा, अपनी मान्यताएं अपने बच्चों पर नहीं थोपते हैं। वो उनको पूरी आजादी देते हैं कि वो अपने विचार खुद डेवलप करे, अपनी थिंकिंग के अनुसार, जैसे वो दुनिया को समझता है। दूसरी टिप, हर बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होता है, उसे इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश मत करिए। हर बच्चे को पता है अपना काम कैसे निकलवाना है, वो रो के, चिल्ला के, गुस्सा होके कैसे भी अपना काम निकलवा लेता है। वो जिद करता है और आप उसकी जिद पूरी करते हैं, क्योंकि बच्चा इतना निर्दोष है, इतना मासूम है, उसके अंदर कोई ईगो नहीं है, इसलिए आपको उसकी जिद पर गुस्सा नहीं आता है। बच्चे की इस जिद को बरकरार रखिए। कई माँ बाप बच्चों की जिद से परेशान हो जाते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। जहां तक हो सके आप हल्की सी डांट से बच्चों को थोड़ा समझा सकते हैं, बस इससे ज्यादा आपको उन्हें टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बच्चे बहुत नाजुक हैं, उनका मन एकदम कोमल है, और आप उनके मन पर जो छाप छोड़ेंगे वो जिंदगी भर रहेगी। इसीलिए पेरेंट्स को बड़ी सावधानी के साथ
एक एक शब्द बड़ी सावधानी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, अपने बच्चों के सामने बोलना चाहिए ताकि उनके मन पर कोई गलत छाप ना छूटे। तीसरा, बच्चे प्रकृति की एक अद्वितीय रचना है, इसलिए वो वहां से प्रतिभा लेकर ही आते हैं। बस माँ बाप का इतना सा रोल है कि वो प्रतिभा को पहचाने और बच्चे को उसी फील्ड में लगा दें। उसका समय, ऊर्जा, अपना पैसा सिर्फ उसी फील्ड में लगाएं जिसमें बच्चे की प्रतिभा आपको मालूम पड़ जाए। अगर आप बच्चे की प्रतिभा मालूम नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे को इतनी स्वतंत्रता दीजिए कि ताकि वो अपनी प्रतिभा आपको बताए कि उसका किस चीज में मन लगता है, किस चीज में उसका इंटरेस्ट है। और जिस चीज में इंटरेस्ट है, अगर आपने अपने बच्चे का करियर उसी में बना दिया तो उससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए एज ए पेरेंट कुछ नहीं होगी और बच्चा जिंदगी भर खुश रहेगा और आपको प्यार करेगा। नंबर चार, अक्सर माँ बाप कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या वो वाकई अपने बच्चों को प्यार करते हैं? अगर कोई माँ बाप पूरे टाइम अपने बच्चे को गले लगा कर रखें तो क्या वो बच्चा अपने माँ बाप को प्यार करेगा? नहीं दोस्तों, नहीं। इस दुनिया में हर कोई स्वतंत्र है, प्रकृति ने हर किसी को स्वतंत्र बनाया है, उसी तरह हमारे बच्चे भी स्वतंत्र हैं। और वो माँ बाप सबसे अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों को फुल फ्रीडम देते हैं, उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, सिर्फ उसे इतना बताते हैं, अपनी राय उसके सामने रखते हैं कि ये सही ये गलत, अगर तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, बस इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं समझाते हैं और अंतिम निर्णय बच्चे पर सौंप देते हैं ताकि बच्चा बड़े होकर एक सुदृढ़ नागरिक बन सके, अपने डिसीजन खुद ले। आप सोचिए, एक 20 साल का बच्चा अगर अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा है, उसके माँ बाप से वो पूछ रहा है, तो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आपने अपने बच्चे का लालन पालन सही से नहीं किया है। आपने बचपन से उसे इतनी पैम्परिंग करी है कि वो हर एक छोटी छोटी चीज के लिए आपकी सलाह लेता है। वो अच्छे पेरेंट्स नहीं है दोस्तों, वो अच्छी पेरेंटिंग नहीं है। अच्छे पेरेंट्स अगर आप बनना चाहते हैं तो अपने बच्चों को डिसीजन लेने की छूट दीजिए, उसे समझने दीजिए दुनिया क्या है, और धीरे धीरे जब वो दुनिया खुद से समझेगा तो वो एक ऐसा नागरिक बनेगा जो जिम्मेदार होगा, जवाबदार होगा, अपनी गलती की जिम्मेदारी स्वयं लेगा, नहीं तो वो आप पर थोप देगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा बताया था तो इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे पेरेंट्स की है। आप उसे जवाबदार बनाइए, उसे जिम्मेदार बनाइए ताकि अपनी लाइफ में जो भी वो मुसीबत झेले वो खुद पर जिम्मेदारी ले, ना तो समाज पर थोपे, ना आप पर थोपे, ना दुनिया पर थोपे, वही एक अच्छा नागरिक कहलाएगा। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं तो उसे जवाबदारी दें, जिम्मेदारी दें, ना कि उसे पूरे टाइम पैम्पर करें। प्यार आप उसे बहुत तभी करेंगे जब आप उसे स्वतंत्रता देंगे, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। पांचवी टिप, दोस्तों अक्सर ऐसा देखने में आता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोलना शुरू कर देते हैं और इतनी कड़वी बातें बोलते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, और कई बार तो एक दूसरे पर हाथ भी उठा देते हैं, और ये सब बच्चा बेचारा चुपचाप सहमा हुआ देखता रहता है। माँ बाप उस समय इतना भी नहीं सोचते कि उस बच्चे के मन पर क्या छाप पड़ रही है, और फिर जब उनका झगड़ा समाप्त हो जाता है तो वो इतनी भी जहमत नहीं उठाते हैं कि अपने बच्चे को क्लैरिफाई करें, और वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और इसके बड़े दुष्परिणाम सामने आते हैं बाद में। क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो वो यही देखता है कि उनके माँ बाप ने भी लड़ाई करी तो वो भी वैसा ही बर्ताव या तो अपनी पत्नी के साथ या पत्नी पति के साथ करती है। अगर माँ बाप अपने झगड़े को उसी समय अपने बच्चे को क्लैरिफाई कर दें तो इस चीज की कभी नौबत ही ना आए, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हो ही ना। लेकिन हमारी छोटी सी इग्नोरेंस बहुत बड़ी घटना बनके भविष्य में सामने आती है। इसलिए जो भी पेरेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो भी ऐसा ही कर रहे हैं तो अभी से स्टॉप कर दें और अपने बच्चों को हर झगड़ा जब भी आप करते हैं क्लैरिफाई करें अपने बच्चे को, क्योंकि झगड़ा होना आम बात है, ये कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है जो किसी घर में होती है किसी घर में नहीं होती, अक्सर सभी घरों में ऐसा देखने को मिलता है। आदमी और औरत अपोजिट साइकोलॉजी है तो उनका टकराना लाजमी सी बात है, लेकिन बच्चों के सामने झगड़ा करना बहुत गलत बात है। और अगर आपने झगड़ा कर भी लिया और बच्चे ने अगर देख लिया तो कृपया करके बच्चे को क्लैरिफाई करें कि वो झगड़ा क्यों हुआ और आप अब दोनों फिर से एक हो गए हैं। अपने बच्चे को बताइए कि झगड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। दो लोग जब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो कभी कभी लड़ते झगड़ते भी हैं। इस तरह उसे रिश्तों की अहमियत बताइए।
ये भी बताइए कि जब उसके माता पिता लड़ते हैं तो उसके बाद वो एक हो जाते हैं, ताकि उसे ये ना लगे कि ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होगी, मेरे माता पिता के बीच में प्यार हमेशा के लिए खत्म हो गया, ऐसे विचार उसके मन में नहीं आने चाहिए, ताकि भविष्य में वो रिलेशनशिप बनाने से डरे ना, उसके मन में कोई भय व्याप्त ना हो, और अगर वो रिलेशनशिप बना ले तो आपकी तरह जो हरकत आप अभी उसके सामने कर रहे हैं वो किसी दूसरे के साथ ना करें। इस बात का अच्छे पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं दोस्तों। ये पेरेंटिंग की बहुत बड़ी टिप है जिससे आप अपने बच्चे को डोमेस्टिक वायलेंस से बचा सकते हैं फ्यूचर में। रिलेशनशिप की छोटी छोटी बातें उसे समझाएं, बारीकियां समझाएं, उसे इग्नोर मत करें। बच्चा हर चीज समझता है, वो आपको जैसा देखता है वो वैसा ही करता है। आपके बोलने समझाने से वो इतना नहीं समझता जितना वो आपको देखता हुआ समझता है। इसीलिए जब भी कभी कोई अनअवॉइडेबल झगड़ा आपका पति पत्नी का आपस में हो तो कृपया उसे बच्चे को जरूर क्लैरिफाई करें, उसे इग्नोर ना करें, ताकि बच्चा आपके और करीब आए और उसे लगे कि मेरे माता पिता मुझसे कुछ नहीं छुपाते हैं और जो भी लड़ाई झगड़ा वो करते हैं वो आम है, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। छठवीं टिप, बच्चे प्रकृति के यहां से असीमित ऊर्जा लेकर आते हैं दोस्तों। वो दिन भर सुबह से लेकर रात तक मस्ती करते हैं, उछल कूद करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, ऊपर से नीचे सीढ़ियां कितनी बार चढ़ जाते हैं, लेकिन वो थकते नहीं है। और यही ऊर्जा माँ बाप को परेशान कर देती है कई बार, और माँ बाप गुस्से में आके अपने बच्चों से अनाप शनाप बोल देते हैं, उन्हें उनके साथ मारपीट भी कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अच्छे पेरेंट्स वही होते हैं जो अपने बच्चे की इस असीमित ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं, उसको सही डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करते हैं, उसको नई कलाएं विकसित करने का मौका देते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुकिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कितनी तरह की कलाएं हैं जिसमें वो बच्चा अपनी ऊर्जा व्यय कर सकता है, रादर देन दिन भर की उछल कूद में। बच्चे इस ऊर्जा का सही उपयोग कई बार नहीं करते हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को बताएं कि ये उसके लिए सही रहेगा अगर वो अपनी ऊर्जा इस फील्ड में लगाए। बस आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है, अगर बच्चे के अंदर से वो प्रतिभा आ रही है तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस रास्ते पर लग जाएगा, उसे भी लगेगा कि मेरे माँ बाप उससे इतना प्यार करते हैं कि जो मैं चाहता हूं वही वो भी बोल रहे हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती पेरेंट्स के लिए। इसलिए बच्चे की ऊर्जा को वह ना होने दें, उसे सही डायरेक्शन में लगाएं, यही पेरेंट्स का काम है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना उसे डांटें, ना उसे मारें, ना उसे अपशब्द कहें, क्योंकि बच्चा आपकी ही भाषा समझता है। जब वो बड़ा हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे, तो वो भी वही भाषा का आपके अगेंस्ट में इस्तेमाल करेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों हो गया, हम तो उसे इतना प्यार करते थे, लेकिन आप जरा याद करिएगा कि आपने बचपन में उसके साथ क्या किया, और वही घूम फिर कर लाइफ एज ए सर्किल आपको मिलता है। इसलिए माँ बाप कभी अपने बच्चों को दोष ना दें, माँ बाप को वही मिलता है जो उन्होंने अपने बच्चों को दिया है, और यही प्रकृति का नियम है, जो आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो ये सीधा सा सिद्धांत है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलत फहमी पाले ही नहीं पेरेंट्स अपने मन में कि बड़े अगर पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनके साथ बुरा बर्ताव क्यों करते हैं, क्योंकि बचपन में बच्चों के साथ भी बुरा बर्ताव किया गया होगा। अगर आप इन चीजों को गौर से खंगालेंगे तो आपको सच्चाई का पता चलेगा। इसलिए अपने बच्चों को सही राह दिखाएं और बस उनकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करें, उनकी ऊर्जा को चैनलाइज कर दें बस। नंबर 7, दोस्तों हम सब कहानी सुन सुनकर बड़े हुए हैं, दादी से, नानी से, अपने माता पिता से, लेकिन आज के युग में कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी कहानियां अपने पेरेंट्स से नहीं सुनी है, तो वो ये चीज अपने बच्चों को भी नहीं सुनाते हैं। बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं या कंप्यूटर पकड़ा देते हैं, बच्चे उसमें कहानियां सुनते रहते हैं, लेकिन जो कहानियां माँ बाप अपने मुंह से सुनाएंगे उसमें जो आत्मीयता का भाव रहेगा वो जिंदगी भर बच्चे के साथ रहेगा। अगर आपको एक भी कहानी नहीं आती है तो आज से ही कहानी पढ़ना शुरू करिए। एक प्रेरणादायक कहानी आप खुद पढ़िए जो आपके काम तो आएगी ही, और रात में सोने से पहले अपने बच्चे को जरूर वो कहानियां सुनाएं। एक मोटिवेशनल स्टोरी डेली का नियम बनाएं और अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि उनको ऐसा प्रतीत होने लगे कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ उनकी रीच में है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है दोस्तों, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, और इसमें मैं कितना छोटा सा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सारी चीजें उसे असंभव नजर आती है। लेकिन जो बच्चा बचपन से ऐसी कहानियां सुनकर बड़ा हुआ है कि जिसमें उसे बताया गया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो उसे फिर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं लगती है।
फिर वो अपने माता पिता को याद रखता है और सोचता है कि मेरे माता पिता कितने अच्छे थे जो जिन्होंने मुझे बचपन से इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है कि मैं इस दुनिया से लड़ सकूं। क्योंकि इस दुनिया में आगे कॉम्पिटिशन है ही दोस्तों, हम कॉम्पिटिशन को अलग नहीं कर सकते। तो बच्चा कॉम्पिटिशन में अगर लड़ने वाला है तो ये प्रेरणादायक कहानियां उसे जरूर मदद करेगी। इसलिए वन मोटिवेशनल स्टोरी पर डे रात में सोने से पहले का मंत्र बनाएं और अपने बच्चों को जरूर सुनाएं, खुद सीखें, बच्चों को सिखाएं। आठवीं टिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस। दोस्तों ये बहुत बड़ी टिप है। अक्सर देखा गया कि माँ बाप बच्चों की जिद के आगे घुटने टेक देते हैं और फिर जो भी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगता है बच्चे माँ बाप पूरी कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार कर रहे हैं, अभी उनका बच्चा छोटा है, चलो जिद पूरी कर देते हैं, पैसे दे देते हैं। अक्सर ये देखा गया कि अमीर घरों के बच्चे, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस तुरंत मिल जाती है, इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा बिगड़े हुए बच्चे वहीं से निकलते हैं। उनके अंदर प्रतिभा नहीं होती है, बड़े घरों के बच्चे कोई बड़ा काम नहीं करते। अक्सर गरीब घर के बच्चे या मध्यम घर के बच्चे ही बड़ा काम करते हैं। अगर आप बचपन से ही अपने बच्चे को फाइनेंस के बारे में समझाएंगे, पैसे की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाएंगे, तो वो कभी भी भविष्य में पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगा। वो अगर कुछ पैसा मांगता है तो आप उससे जस्टिफाई करवाइए कि वो पैसे का करेगा क्या, वो पैसा उसके लाइफ में वो ऐसा कुछ काम करेगा जो उपयोगी है इसीलिए पैसा मांग रहा है, या सिर्फ उड़ाने के लिए पैसा मांग रहा है, कुछ भी बर्बाद करने के लिए पैसा मांग रहा है, ये उससे पूछिए, उससे जानिए, तब आपका बच्चा खुद क्लैरिफाई करके बताएगा कि उसको पैसे की जरूरत क्या है। और ये गुण धीरे धीरे उसमें डेवलप करिए ताकि एक समय के बाद बच्चा आपसे पैसा मांगना ही बंद कर दे, इसका मतलब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने की बात सोचने लगा है। बच्चे को थोड़ा सा डराइए कि बोलिए कि जब तक तू पढ़ाई कर रहा है तब तक ही हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंट तुझे मिलेगा, उसके बाद पैसा कमाना, तेरा जेब खर्च निकालना, सब कुछ तेरी ही जिम्मेदारी है। तो बच्चा देखिएगा किस तरीके से पैसे का सदुपयोग करेगा। वो बचपन से ही दिमाग चलाएगा कि कहां से मैं पैसा कमा लूं। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जिन बच्चों में टैलेंट है वो अपनी आर्ट, एग्जीबिशन, म्यूजिक, सिंगिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये कोई गलत बात नहीं है कि आप सोचें कि माँ बाप के होते हुए बच्चा पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं है। दोस्तों आप एक ऐसा नागरिक पैदा कर रहे हैं, ऐसा नागरिक बना रहे हैं जो अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाह रहा है, और बच्चा जितनी जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा माँ बाप को उतनी ही सहूलियत होगी, उतनी ही उनकी लाइफ आसान होगी। इसलिए जो भी पेरेंट्स अपनी लाइफ आसान करना चाहते हैं वो बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस कम से कम करें। सिर्फ बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन आ जाए कि जरूरत है ही तभी करें, वरना अनाप शनाप पैसे देकर अपने बच्चों को बिगाड़े मत। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण आजकल के जो हमारे युवा हैं वो हाथ पे हाथ तले बैठे हुए हैं कि वो सोच रहे हैं हमारे माँ बाप हमें अभी भी कमा कर खिला रहे हैं, वो सरकार के भरोसे बैठे हैं कि सरकार उन्हें नौकरी दे, और वो कुछ एक थैले की कमाई नहीं कर पा रहे हैं खुद से। अगर बचपन में उनके अंदर गुण डेवलप किए गए होते, फाइनेंस के प्रति उन्हें सजग बनाया गया होता, तो आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता। इसलिए अपने बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे होना है ये गुण सिखाएं। उम्र का लिहाज मत करिए, बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उन्हें पैसे की वैल्यू पता रहती है, और आप अगर थोड़ा और उसमें अपने इनपुट्स देंगे तो बच्चों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी और वो पैसे का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे, हमेशा सदुपयोग करेंगे। नाइंथ टिप, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे देश में हमेशा से कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप है, बच्चे भगवान की ही तरह है, क्योंकि वो निर्मल है, निर्दोष है, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, वो प्योर है। और भगवान में भी यही क्वालिटी होती है, बच्चों में ईगो नहीं होता, बच्चों में ईर्ष्या, जलन कुछ भी नहीं होता, वो सब हम पकड़ाते हैं, हम उन्हें सिखाते हैं, बैर रखना, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ऊंचा नीचा, इससे बोलो उससे मत बोलो, ये खाओ वो मत खाओ, सारे भेदभाव हम पैदा करते हैं एज ए पेरेंट्स। तो अगर आप एक अच्छा पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो अपने बच्चों के अंदर ये भेदभाव बिल्कुल ना डालें। उसे डिसाइड करने दीजिए कि उसे किसके साथ खेलना है, उसे क्या खाना है, उसे क्या पहनना है, उसे पूरी फ्रीडम दें। अगर आप बच्चे को भगवान का रूप कहते हैं तो फिर उसे भगवान मानिए भी, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, बच्चा भगवान है ही। बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर भी थी लेकिन हम उन्हें भूल चुके हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को ही फॉलो कर लें तो पेरेंट्स खुद सुधर जाएंगे। ये रिवर्स है दोस्तों, ये रिवर्स साइकोलॉजी है। अगर बच्चे पेरेंट्स
को देखकर सुधरते हैं, तो पेरेंट्स को भी बच्चों को देखकर सुधरना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे भगवान का रूप है तो फिर उससे बढ़कर और क्या होगा। पर 10 और सबसे इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों, हर कोई इंसान इस दुनिया में आत्मसम्मान का भूखा है। हर कोई इज्जत से रोटी कमाना चाहता है, इज्जत से रहना चाहता है, किसी को भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। और ये आत्मसम्मान हर इंसान के अंदर होना ही चाहिए, ताकि वो कोई ऐसा निकृष्ट कार्य ना करे अपने जीवन में जिसके लिए उसे पछताना पड़े। और ये आत्मसम्मान बच्चों में कूट कूट कर भरा होता है, इसलिए अगर आप उनके मन मुताबिक काम नहीं करते हैं तो वो जिद पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। आप अगर उसके साथ गाली गलौज करते हैं, उसको डांटते धमकाते हैं, तो बच्चा बहुत बुरा मानता है। इसलिए आज से ही अपने बच्चों का आदर सम्मान करना सीखें, अगर आप खुद उससे आदर और सम्मान पाना चाहते हैं। आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आप ये कंप्लेन मत करिएगा, हमारे बच्चे हमारा सम्मान क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि जब बच्चे की शादी हो जाएगी तो फिर आप सारा दोषारोपण उसकी पत्नी पर करते हैं कि पहले तो हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, शादी के बाद ऐसा क्यों बदल गया। तो आपको लगता है कि जो लड़की नई घर में आई है उसके कारण ऐसा हो रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने बच्चे को जो शिक्षा दी है वही वो दोहराएगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना नहीं चाहता, कोई भी दुनिया का। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ बचपन में बुरा बर्ताव करते हैं, बच्चा वही उनके साथ उनके बुढ़ापे में करता है। ये सीधा सिद्धांत है, जैसे को तैसा मिलता ही है दोस्तों। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ बाप बहुत अच्छे हैं और बच्चा उन्हें वृद्धाश्रम में डाल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। इसीलिए पेरेंट्स को बहुत केयरफुल रहना है, अपने बच्चे को वो क्या सिखा रहे हैं, किस तरह की शिक्षा उन्हें दे रहे हैं। उसका मन एक कोरा कागज है, आप उस पर जो लिख देंगे वो हो जाएगा। आप उसको देशभक्त बनाना चाहेंगे वो देशभक्त बन जाएगा, आप उसे आतंकवादी बनाना चाहेंगे वो आतंकवादी बन जाएगा। हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत है। इसीलिए ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपका बच्चा है उसे आत्मसम्मान और ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। बच्चे को आदर देंगे आपको आदर मिलेगा। आज ही से उसका सम्मान करना सीखिए, फिर देखिए आपका बच्चा आपका जीवन खुशियों से भर देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो 10 टिप्स मैंने दी हैं वो पेरेंट्स की जिंदगी में काम आएंगी, जो अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं और जो पेरेंट्स बन चुके हैं और जो चाहते हैं कि उनके बच्चे एक समाज में, इस देश में, इस दुनिया में बहुत बड़ा नाम करें, बहुत महान कार्य करें। तो ये 10 टिप्स बार बार देखिए, बार बार सुनिए, दोहराइए। हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कस करें, बच्चों के साथ डिस्कस करें और धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करें, फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसा परिवर्तन होता है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो सारे पेरेंट्स को समझ में आएगा, वो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों आपकी पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है मुझे लिखिए, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अपनी एक्सपीरियंस, अपने जो भी मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझसे यूं ही जुड़े रहिए, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, सफलता, सुख, समृद्धि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। थैंक यू वेरी मच।